हमारे चंडेगा प्रखंड में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खरवागढ़ा। इस गांव में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और यहां के लोग काफ़ी भोले भाले हैं। भोले भाले होने के कारण ही यहां के कुछ दबंग लोग इन लोगों की बहु बेटियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं और इनको बहला फुसला कर दूर के शहरों में ले जाकर इनका जीवन बर्बाद करते आ रहे हैं। ऐसी ही घटना एक है जो कि पिछले 12 फरवरी 2014 को घटी। यह घटना एक बच्ची के ऊपर में है जो कि 7 क्लास में पढ़ती है जिसका उम्र 13 साल है। जरा ओथे कहत रहे से खन में कहलो सुई दवा दे मैं इतना ना जा तो कहन नहीं मैं हॉस्पिटल में हल ले लेम सुई तो जे कहला का और बटन चल गेला कु संग घर से तब आप सांझ ही गेला गोनी आओ थे स्कूल टाइम से नहीं अलग से खन मैं मनक संग ले गोटा पूछ चलन कि का हलक और गोनी आओ थे कहां जा है कहां जाम कोई रहे तो के मैं संग घर में पूछ चलन तब बाद बाद में सुना थे कि नहीं फलना कर बेटा हो मतलब शिकार कर बेटा हर गो लेके वहाँ जाए के लेके भगाई दिलक कहके कहत हैं टोली में से खन मैं घर वाला मन के बता लूँ ऐसा ऐसा बात कहत हैं से मुया नखे कहत हैं कहके मैं कहल से खने आप हिया हूँ आप खोजक शुरू लगा दिल हाजिरी लिए। उसके बाद एक पीरियड के बाद यहीं हम लोग श्रीमती सरोजिनी होरो मैडम के साथ बैठे हुए थे। उस समय 11 बजे लड़की आई और बोली कि हम घर जाएंगे तो पूछा गया कि क्यों जाएगी। नहीं हमको मलेरिया हो गया था डेंगू पानी से डॉक्टर साहब आते हैं और हमको इंजेक्शन देते हैं तो कै बजे लेना है तो बोली कि 11 बजे। अब यहीं 11 बज रहा था तो इंजेक्शन लेना है बोली इसलिए हम लोग छुट्टी दे दिए उसको एप्लीकेशन नहीं लिखवा पाए और यहाँ से चल गई। उसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद कहाँ गई कैसे गई ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं। और मास्टर लोग भी कोई एप्लीकेशन नहीं लिया ऐसा ही छुट्टी दिया तो वही दिन का गुम आज तक खबर नहीं आया। खबर थोड़ा थोड़ा पाए था हम लोग सूरत तक गुम ढूंढ के आए हैं। वहाँ से फिर पता उता चला वहाँ पता उता चला एक आदमी छिपा रहा था दूसरा आदमी बता रहा है ऐसा कर करके पता ढूंढे हकीकत वहीं थे। और उसका रूम भी घुसे उसका जो स्कर्ट पहना था ना उसको साला इतना कुत्ती साला कहाँ पहनेगा कहाँ ओढ़ेगा पहनेगा उसका साला चीड़ के डिसना ये थी बिस्तर बनाया है बताओ इतना मजबूरी साला खाने पीने पहनने की पढ़ने लिखने साला क्या करे इतना झेला रहे ना हमने समझ ले। लड़का का क्या नाम उसका बस्ती में तो कहते हैं दोमो दोमो नायक यार जब परदेश जाता है ना तो उसको कहते हैं का आनंद नायक। पूरा टोटल लोग कहता क्या लाया था रात में भी था यहीं खाना उना बनाया खाया पिया सब बताया वो लोग दूसरा लोग जो ले तो भाई बोल रहा है कि नहीं लाया है सबके डांटने लगा तो बोला कि रात में था शायद तू भाग गया होगा। उसके भाई फिर भी बताया कि भाग गया यहाँ था लेकिन भाग गया हम छुपा रहे थे लेकिन सबके देखा हुआ है लेकिन लड़की तो था यहाँ लड़का भी था लेकिन भाग गया यहाँ से। तो वहाँ हम बोले कि जब तो देखा हुआ नहीं है यहाँ तो शुरू फर्स्ट बार आया है तो कहाँ भागेगा तुम लोग तो लेके आया है तो भाग ये नहीं सकता है तुम्हारा सेवा दूसरा तो कोई साइड नहीं किया होगा। तो बोले कि हम साइड करवे नहीं किए हैं तुमको जो करना है कर दो केस करना है केस करो लड़ाई करना है लड़ाई करो हम इससे अधिक नहीं बता नहीं सकते हैं। तो वहाँ का वो लोग बोले कि तुम जरूर लाए तुम बता दो लड़की के लोग आपस दे दो वहाँ के लोग इसको डांटे भी लेकिन वो इनकार कर दिया। इस खोजबीन में लगभग 1 महीना का समय लग गया। इसके बाद गाँव में मीटिंग बैठा गया उसमें भी बात नहीं बनी और इसके बाद प्रखंड के निगरानी विभाग को जिले के डीसी एसपी को भी आवेदन दिया गया। प्रखंड के थाने में भी गए थे वहां पर ना आवेदन लिया गया ना एफआईआर दर्ज किया गया बस जानकारी भर लिया गया और बोला गया लड़के के गार्जियन को 5 दिन के अंदर लड़का और लड़की को थाने में लाने को कहा जाएगा। इतना आश्वासन देकर लड़की के गार्जियन को थाने से गांव वापस भेज दिया गया। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप देखें और जानें और हमारे इस क्षेत्र में इस तरह की घिनौनी घटना को रोकने में आप हमारी मदद करें हमारे थाना प्रभारी के ऊपर दबाव बनाएं और इस समस्या को दूर करने में आप हमारी मदद करें।
मैं वारलेस सुरेन झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहट के लिए।